ऑल राइट, सो अभी मैं खड़ा हूँ एक जगह पे और बहुत ही शांति से बात कर रहा हूँ। ग्लव्स मैंने ये नए लिए हुए हैं बाय द वे। अभी आई एम जस्ट यू नो डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ चेकिंग कि साउंड पहले से बेटर है कि नहीं। लाइक व्हाई आई एम आस्किंग इवन कि बेटर है, क्योंकि मैंने जो चेंज किया है इट्स डिफरेंट माइक, नॉट जस्ट द डिफरेंट माइक बट द प्रीवियस वन जो मैं TVS एक्सपोर्ट में यूज़ करता था। तो दो हेलमेट थे, दोनों में अलग अलग माइक था। तो जब मैंने TVS हेलमेट को स्विच किया इस हेलमेट SMK हेलमेट से, तो मैंने SMK में नया माइक सेटअप किया था जो मेरे पास पड़ा हुआ था। बट समहाउ जब मैं एडिटिंग कर रहा था लास्ट कपल ऑफ वीडियोस, तो आई हैव रियलाइज्ड कि माइक का साउंड इतना क्लियर नहीं है, बल्कि नॉइस विंड बाहर का जो एम्बियन साउंड है लाइक गाड़ियों का एंड ऑल, वो ज़्यादा आ रहा था। बिल है बंदों का, आय हाय पोर्शे बंदों का। इट वॉज क्लियर टू मी कि पहले जो TVS एक्सपोर्ट के अंदर जो मैंने माइक लगाया था जो डिफरेंट कंपनी का था, दैट इज़ फार बेटर देन दिस वन SMK1। तो फिर मैंने क्या किया, अपने इस न्यू हेलमेट में से माइक निकाला और जो पुराना माइक था TVS के हेलमेट में वो मैंने इसमें डाला। सो एक तो माइक का डिफरेंस है, दूसरा माइक में मैंने लगाया हुआ है डेड कैट। डेड कैट क्या होता है ना कि एक फर होता है जो विंड नॉइस को कम करता है, तो डायरेक्टली माइक नहीं होता, माइक के ऊपर एक फर लगता है। तो अभी मैं बहुत ही कामली बात कर रहा हूँ, गाड़ी 50 पे चल रही है और बहुत ही शांति से प्यार से बात कर रहा हूँ। सो मुझे इस टाइम पे चेक करना है कि ऑडियो कैसा है। ऑडियो में आपको ये ध्यान रखना है मोटर व्लॉगिंग करते हुए कि जो माइक का जो डायफ्राम होता है ना उसका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो माइक होता है लेवलियर छोटा सा माइक, उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप उसके सामने मुंह रख के अगर आप हल्का सा भी बोलोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर करता है और बहुत ही जो उसका ऑडियो गेन होता है इट्स टू मच। तो अगर आप ट्रैफिक में हो तो समहाउ आप ज़ोर से ही बोलोगे, वो होता है ना जब बहुत पॉल्यूशन होता है नॉइस पॉल्यूशन, तो वी टेंड टू स्पीक लाउडली। आप बात कर रहे हो ज़ोर से बट आपको लग रहा है कि आप धीरे बात कर रहे हो, बट वो जो ज़ोर की जो बात होती है ना वो छोटा सा माइक जिसकी ऑडियो गेन कैपेसिटी या सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है वो फट जाती है नॉइस। मतलब जो उसको कैप्चर करता है, जो ऑडियो कैप्चर करता है माइक, वो डिस्टॉर्शन फॉर्म में करता है। इसलिए आपने बहुत सारे मोटर व्लॉग्स में देखा होगा कि नॉइस काफ़ी फट जाती है जब आदमी पास में रखता है माइक, और दूसरा जब वो चिल्ला के बात करता है। अगर आप 4-5 हज़ार का रोड लेवलियर माइक खरीदोगे तो क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, बट अगर आपको 200-300 से काम चलाना है, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने डेड कैट यूज़ किया है जो थोड़ा सा और नॉइस कम करता है, माइक का पोजीशन एंड द वे यू टॉक, आपको धीरे बात करना है जस्ट बिकॉज कि वो जो माइक छोटा है वो सेंसिटिव होता है। तो आप जितना धीरे बात करो उतना अच्छा है। तो धीरे तो हमने बात कर लिया, नाउ इट्स टर्न कि मैं चिल्ला चिल्ला के बात करूं बिहाइंड द सीन्स। और ऐसे यू नो कि बहुत सारा एफर्ट्स, थॉट प्रोसेस, हिट एंड ट्रायल्स होता है बिफोर फाइनलाइजिंग एनी नो फाइनल वीडियो एंड फाइनल सेटिंग्स। दिस इज जस्ट ऑडियो सेटिंग, कैमरा का भी बहुत झंझट होता है। तो एस्पेक्ट रेशियो, किस सीक्वेंस में एडिट करना है, किस सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करना है, सेटिंग्स क्या होनी चाहिए एक्सपोर्ट करते वक्त, सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। लिटिल बिट ऑफ टेक्निकलिटी जो हम बाद में बात करेंगे, मुझे लगता है कि सब जरूरत नहीं है बात करने की। तो अभी मैं बात करूंगा चिल्ला चिल्ला के, चीख के आराम से बात करो। या सो ये मेरी आवाज़ थोड़ी सी हाई पिच पे है, मैं थोड़ा चिल्ला के बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि कितना आवाज़ आ रहा होगा, बट ये मैं एडिटिंग करते वक्त देखूंगा। और आप लोग तो मेरे व्यूअर्स हो ही, आप मुझे बताओ किस तरीके से क्या है, क्या डिफरेंस है। जनरली जब मैं इस वीडियो को टाइमलाइन पे डालूंगा, सॉफ्टवेयर में डालूंगा, तो मुझे उसका ऑडियोग्राफ मिलेगा और मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ऑडियो कितना क्लियर है। ऑडियो का वेवफॉर्म जितना क्लियर होगा दैट मीन्स माइक उतना ज़्यादा अच्छा है। बच गया लड़का यार, कैसे मतलब बड़े महान लोग हैं, बड़े महान कलाकार। तो देखो थूक रहा है रोड पे, ब्यूटीफुल। आई मीन वो भी राइट साइड में थूक रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड में थूके। हैबिट भाई क्या बताऊं मैं। सो मैं कर रहा हूं बात जोर जोर से, मैं वही बोल रहा था कि जितना अच्छा माइक होगा उतना ऑडियो फॉर्म क्लियर होता है टाइमलाइन के अंदर, और जितना ज़्यादा बेकार माइक होगा उतना ऑडियो मफल्ड होगा। तो यहाँ से चॉकलेट्स लेते हैं सौम्या के लिए, फिर निकलते हैं घर। आज एक्चुअली ऑफिस में ज़्यादा काम था नहीं तो मैं निकल गया यार। और प्रकाश भाई एक क्रैकर दो ना, और एक ये दे दो अमूल। या तो ये मैं नए ग्लव्स ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कहा ट्रिप के पहले
थोड़ा पहन के भी ट्राई हो जाए। राइडिंग जैकेट भी पहनेंगे और पैंट्स भी पहनेंगे, दैट्स फॉर श्योर। बाइक में मैंने भी नया मॉडिफिकेशन कराया है, दो तीन दिन में वीडियो डालने वाला हूँ इसके बारे में। ये जस्ट लाइक नॉर्मल रैक, टॉप बॉक्स ऑफ बॉक्स नहीं आएगा, टेंशन मत लो। थोड़ा सा सामान जो यहाँ रखना होता है ना, वो हल्का सा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कि मुझे ना काफ़ी स्पेस मिले यहाँ पे, क्योंकि यार लंबा सफ़र है और छोटी सी स्पेस मिलेगी यू नो सीट पे तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल रहेगा। तो जितना ज़्यादा आपको रूम मिलेगा आगे पीछे होने के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है ना। टेम्पररी लगा है, ये कभी भी निकाल सकते हैं और कभी भी वापस इसका जो टेल होता है, जो कंपनी वाला है, वो लगा सकते हैं। वो टेल निकालना पड़ा क्योंकि टेल लगाने से ना इसकी लेंथ थिक थिक हो रही थी, तो इसीलिए ये बैठ नहीं रहा था, तो टेल निकाल के हमने इसको फिट किया हुआ है। सो इट इज़ लाइक रिमूवेबल, कभी भी निकाल के वापस स्टॉक लगा सकते हैं। एंड आई एम डेफिनेटली गोना अगेन गोइंग टू ऐड द स्टॉक वन, बिकॉज यू नो दिस थिंग इज़ जस्ट फॉर द टूरिंग यूज़। अपना जो टेल है दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि टेल को पकड़ के आप आगे पीछे कर सकते हो, इसको पकड़ के नहीं कर सकते। एनी हाउ दैट थिंग वुड बी हेल्पफुल इन द टूरिंग, बट वंस वी डन टूरिंग वी गोना अगेन गो बैक टू द ओल्ड स्टॉक। Yeah, so guys, that's it. I will see you in the next motovlog.